सोनिया गांधी कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन ये लगभग लगभग तय है कि 17 अक्टूबर के बाद वो कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं रह पाएंगी। हो सकता है कि उनकी जगह अशोक गहलोत ले, हो सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही अध्यक्ष बन जाए। बाकी होने को तो ये भी हो सकता है कि शशि थरूर या मनीष तिवारी या आनंद शर्मा या फिर कोई और भी कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाए। लेकिन आज की कहानी कौन बनेगा कांग्रेस अध्यक्ष की नहीं है, आज की कहानी उन दो गैर गांधी परिवार से बने कांग्रेस अध्यक्षों की है, जिनका हश्र याद कर शायद ही कोई गैर गांधी परिवार का नेता कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की हिम्मत कर पाए। आज कहानी पीवी नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। राजीव गांधी और सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बीच दो ऐसे चेहरे रहे हैं जो गांधी परिवार से ताल्लुक न रखते हुए भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, लेकिन उन दोनों के साथ कांग्रेस और उसके नेताओं ने ऐसा सलूक किया कि उसे देखकर शायद ही कोई गैर गांधी परिवार का शख्स कांग्रेस अध्यक्ष बनने की कोशिश करे। पहला नाम है नरसिम्हा राव का, जिन्हें राजीव गांधी की हत्या के ठीक बाद कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के तमाम नेता चाहते थे कि सोनिया गांधी ही कांग्रेस की कमान संभाले। इसके लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी हुई, लेकिन सोनिया ने उस वक्त परिवार को प्राथमिकता देते हुए कांग्रेस का अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया। और बात सिर्फ अध्यक्ष पद की ही नहीं थी, बात भारत के अगले प्रधानमंत्री की भी थी, क्योंकि राजीव गांधी नहीं रहे थे, लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, कांग्रेस के लिए सहानुभूति भी थी। जो पार्टी का अध्यक्ष होता वो प्रधानमंत्री पद का स्वाभाविक दावेदार होता, और इस पद का सपना तो एनडी तिवारी, अर्जुन सिंह और शरद पवार जैसे नेता भी देख रहे थे। लेकिन तय ये भी था कि सोनिया जिसके नाम पर सहमति देंगी, अध्यक्ष और फिर भारत का अगला प्रधानमंत्री भी वही होगा। सोनिया को सबसे ज्यादा भरोसा अपनी सास और राजीव की मां इंदिरा के प्रधान सचिव रहे पीएन हक्सर पर था। पीएन हक्सर ने कहा कि इस पद के लिए सबसे उपयुक्त शंकर दयाल शर्मा होंगे, लेकिन तब शंकर दयाल शर्मा ने अपनी उम्र का हवाला देकर इस पद को विनम्रता से ठुकरा दिया। हक्सर ने फिर नाम सुझाया पीवी नरसिम्हा राव का। राव भी तब 70 के लपेटे में थे, वो तैयार हो गए और इस तरह से वो कांग्रेस के अध्यक्ष और फिर देश के प्रधानमंत्री भी। पद संभालने के पहले दिन से ही नरसिम्हा राव को पता था कि यह पद उनके पास तब तक ही है जब तक सोनिया गांधी उनसे इत्तेफाक रखती हैं। राव को यह भी पता था कि पीएन हक्सर और कैप्टन सतीश शर्मा की सलाह पर ही सोनिया गांधी राव के नाम पर सहमत हुई थी। इसलिए राव जब प्रधानमंत्री बने तो उनके सामने एक लक्ष्य तय था कि गांधी परिवार से नजदीकी बनी रहे, और इसके लिए हर मुमकिन कोशिश भी की जाए। यही वजह थी कि प्रधानमंत्री बनने के बाद राव ने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के साथ मिलकर जो भी आर्थिक नीतियां शुरू की उनमें ज्यादातर योजनाओं के नाम में राजीव गांधी का नाम जुड़ा था। राजीव गांधी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजने का फैसला भी खुद राव की ही देन थी। सोनिया गांधी के संचालन में बने नए नवेले राजीव गांधी फाउंडेशन को भी सरकार की ओर से 100 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया था। इसके अलावा राव हफ्ते में 2 बार सोनिया गांधी से फोन पर जरूर बात करते थे। इस बीच सोनिया गांधी ने जब अपने बच्चों राहुल और प्रियंका की सुरक्षा को लेकर राव से जिक्र किया तो राव ने कानून में संशोधन के जरिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने वाली एसपीजी को पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा करने वालों के लिए भी लगा दिया। लेकिन 1992 में स्थितियां बदलने लगी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। एक पक्ष ने इसकी तारीफ की, दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया। विरोध के इन सुरों में एक सुर सोनिया गांधी का भी था, जो सार्वजनिक तौर पर उनका पहला सियासी बयान माना जा सकता है। इस बयान पर और किसी ने गौर किया हो न किया हो, लेकिन नरसिम्हा राव ने जरूर किया। आखिरकार 1993 का आधा साल बीतते बीतते उन्होंने सोनिया गांधी के घर 10 जनपद आना जाना छोड़ दिया। इस बीच राव के विरोधियों ने सोनिया को यकीन दिला दिया कि राजीव गांधी की मौत की जाँच बेहद धीमी गति से हो रही है और इसके लिए जिम्मेदार राव हैं। बात तब और बिगड़ गई जब 20 अगस्त 1995 को सोनिया गांधी अमेठी पहुंचने, करीब 10,000 लोगों की मौजूदगी में सोनिया ने भाषण दिया। कहा कि मेरे पति को गुजरे 4 साल 3 महीने बीत गए हैं, लेकिन जांच धीमी गति से चल रही है। भीड़ ने नारे लगाए, राव हटाओ सोनिया लाओ। ये सोनिया गांधी की पहली रैली थी जिसमें सीधा मोर्चा राव के खिलाफ था। इस बीच 1996 के चुनावी नतीजों में कांग्रेस की दुर्गति हो गई, उसे महज 161 सीटें मिली। नरसिम्हा राव पर घोटाले के दाग लगी चुके थे, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन चुनावी नतीजों ने नरसिम्हा राव को पद से हटाने का रास्ता साफ कर दिया। सितंबर 1996 में कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे सीताराम केसरी, जो बिहार से आते थे। इसके लिए बाकायदा चुनाव हुआ था जिसमें सीताराम केसरी के खिलाफ शरद पवार और राजेश पायलट उम्मीदवार थे।
सीताराम केसरी को सोनिया गांधी का समर्थन था तो चुनाव में उन्हें कुल 6224 वोट मिले थे, जबकि राजेश पायलट को 354 और शरद पवार का 882 वोट ही मिले थे। लेकिन सीताराम केसरी का हश्र भी नरसिम्हा राव के जैसा ही हुआ। सोनिया गांधी ने केसरी को कांग्रेस का अध्यक्ष तो बनवाया था, लेकिन कांग्रेस में उन्हें पसंद करने वाला शायद ही कोई था। केसरी HD देवगौड़ा सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए अपनी ही पार्टी में विलन बन चुके थे। कांग्रेस के कई नेता जैसे कि रंगराजन कुमार मंगलम और असलम शेर खान केसरी की वजह से पार्टी छोड़ चुके थे। हालांकि केसरी को लगता था कि वो कांग्रेस के चुने हुए अध्यक्ष हैं, इसलिए नेहरू गांधी परिवार का उन पर कोई दखल ही नहीं है। ऐसे में सोनिया गांधी ने तय किया कि वो भले ही पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनेंगी, लेकिन अब वो पार्टी की कमान अपने हाथ में लेंगी। ये वो दौर था जब मध्यावधि चुनाव की घोषणा हो चुकी थी और कांग्रेस को 1998 का लोकसभा चुनाव लड़ना था। तो सोनिया ने 1997 में कोलकाता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस की बाकायदा सदस्यता ग्रहण कर ली। सोनिया ने पार्टी के अध्यक्ष सीताराम केसरी को चुनाव प्रचार से ही हटा दिया और खुद ही जनसभाएं करनी शुरू कर दी। सोनिया ने अपनी पहली जनसभा उसी तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में की जहां उनके पति और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई। सोनिया के सभाओं की शुरुआत के साथ ही कांग्रेस के अंदर से आवाज उठने लगी, केसरी हटाओ कांग्रेस बचाओ, सोनिया लाओ केसरी भगाओ। 1998 के उस लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी ने कुल 130 चुनावी सभाएं की थी, जबकि सीताराम केसरी ने कोई भी जनसभा नहीं की। लेकिन नतीजा कांग्रेस के मन माफिक नहीं आया और कांग्रेस महज 142 सीटों पर ही सिमट गई। कांग्रेस अपनी परंपरागत अमेठी सीट भी हार गई। अर्जुन सिंह और नारायण दत्त तिवारी जैसे कद्दावर कांग्रेसी नेता भी चुनाव हार गए। लेकिन इस हार का ठीकरा फूटा उन सीताराम केसरी के सिर पर जिन्हें चुनाव प्रचार तक नहीं करने दिया गया था। सोनिया गांधी के आसपास अपनी खास जगह बना चुके कुछ कांग्रेसियों ने सोनिया गांधी को यकीन दिला दिया कि उनका नेतृत्व तो करिश्माई था, लेकिन कांग्रेस का संगठन केसरी की वजह से इतना कमजोर हो चुका था कि वोट नहीं मिले। आखिरी रास्ता अब यही था कि सीताराम केसरी को हटाकर सोनिया गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। तो सोनिया गांधी भी तैयार हो गई। उन्होंने कहा कि अगर सीताराम केसरी खुद इस्तीफा देते हैं और अपनी जगह पर सोनिया गांधी के नाम का प्रस्ताव रखते हैं तो वो अध्यक्ष बन जाएंगी। लेकिन सीताराम केसरी खुद से इस्तीफा देने के मूड में ही नहीं थे। तो अब शरद पवार, जितेंद्र प्रसाद और प्रणब मुखर्जी जैसे कांग्रेसी नेता जोड़ तोड़ के जरिए सीताराम केसरी पर इस्तीफे का दबाव बनाने लगे। लेकिन केसरी अड़े रहे। फिर जितेंद्र प्रसाद, शरद पवार और गुलाम नबी आजाद जैसे नेताओं ने सीताराम केसरी से मांग की कि वो CWC की बैठक बुलाएं। केसरी के सहयोगियों ने कहा कि अगर वो CWC की बैठक बुलाते हैं तो उसी बैठक में उनसे इस्तीफा ले लिया जाएगा। तो सीताराम केसरी ने बैठक बुलाने से मना कर दिया। केसरी को फिर कहा गया कि ये बैठक सिर्फ लोकसभा चुनाव में हुई हार की समीक्षा के लिए है। तो केसरी मान गए, 5 मार्च को बैठक बुला ली और उसी बैठक में कांग्रेसी नेताओं ने चुनावी हार का जिम्मेदार केसरी को ठहराते हुए कहा कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और अपनी जगह सोनिया गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना देना चाहिए। नाराज केसरी बैठक छोड़कर बाहर आ गए, लेकिन उन पर दबाव बढ़ता जा रहा। 9 मार्च को उन्होंने इशारा किया कि वो इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन 10 मार्च 1998 की सुबह जब राजधानी में अखबार छपकर आए तो उसमें लिखा था कि सीताराम केसरी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। जबकि सीताराम केसरी का कहना था कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ मंशा जाहिर की थी। केसरी ने कहा कि वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक में अपना इस्तीफा देंगे। इस बीच सीताराम केसरी को पद से हटाने की आखिरी कोशिश भी शुरू हो गई और ये कोशिश कांग्रेस दफ्तर 24 अकबर रोड पर नहीं बल्कि ताल कटोरा रोड पर प्रणब मुखर्जी के घर हो रही थी। 14 मार्च 1998 को CWC के 13 लोग प्रणब मुखर्जी के घर पहुंचे, जहां तय हुआ कि 11 बजे से 24 अकबर रोड पर CWC की बैठक होगी। तय वक्त पर बैठक शुरू हुई। इस बैठक में सीताराम केसरी भी मौजूद थे। प्रणब मुखर्जी ने सीताराम केसरी का कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहने और कांग्रेस के लिए किए गए कामों के लिए धन्यवाद दिया और सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव पेश कर दिया। प्रणब मुखर्जी की ये बात सुनकर चचा केसरी हत्थे से ही उखड़ गए और बैठक छोड़कर कांग्रेस मुख्यालय में बने अपने दफ्तर में चले गए। उनके साथ इस बैठक का बहिष्कार करने वाला एक और नेता था जिनका नाम है तारिक अनवर। लेकिन इन दोनों के जाने के बाद भी बैठक चलती रही। सोनिया गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया और इसकी चिट्ठी सोनिया गांधी के घर भेज दी गई, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। कांग्रेस दफ्तर में लगी सीताराम केसरी के अध्यक्षी वाली नेम प्लेट को तुरंत ही उठाकर कूड़ेदान में डाल दिया गया। अध्यक्ष पद से हटने के बाद जब सीताराम केसरी कांग्रेस दफ्तर यानी कि 24 अकबर रोड से बाहर निकले तो यूथ कांग्रेस के कुछ लड़कों ने उनकी धोती खींचने की भी कोशिश की। उस वक्त उनकी रोती हुई तस्वीरें भी अखबारों में छपी थी।
इस घटना के वक्त सीताराम केसरी राज्यसभा के सदस्य थे जिनका कार्यकाल 2000 में खत्म हो रहा था। कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटने के बाद सीताराम केसरी ने राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्होंने राज्यसभा सांसद के तौर पर मिला बंगला भी खाली कर दिया। दिल्ली में उनका कोई घर था ही नहीं। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देने और दिल्ली में घर देने की पेशकश की तो सीताराम केसरी ने इनकार कर दिया। जून 2000 में ही एम्स में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई और कुछ ऐसा ही हश्र नरसिम्हा राव के साथ भी हुआ था। 1999 के चुनाव के दौरान सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष थी तो उस चुनाव में राव को टिकट तक नहीं मिला। वो बीमार पड़े। बहुत कम ऐसे कांग्रेसी थे जो उन्हें देखने उनके घर नव मोतीलाल नेहरू मार्ग पर पहुंचे। 23 दिसंबर 2004 को जब नरसिम्हा राव की मौत हुई तो न तो उनका शव कांग्रेस मुख्यालय तक पहुंचाया गया और न ही दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार करवाया जा सका। कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस के बाहर भी लोग यही मानते हैं कि इस फैसले के लिए सिर्फ और सिर्फ एक शख्स जिम्मेदार था और वो थी खुद सोनिया गांधी, जिन्होंने अपने ही बनाए प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार में भी भाग लेना मुनासिब नहीं समझा था। तो ये थी कहानी दो गैर गांधी परिवार से बने कांग्रेस अध्यक्षों की, जिनका हश्र याद कर शायद ही कोई कांग्रेसी नेता अध्यक्ष बनने की हिम्मत जुटा पाए। हालांकि अब वक्त बदल रहा है और कांग्रेस में भी गांधी परिवार की मुखालफत करने वाले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी अगला गैर गांधी परिवार से आने वाला शख्स कांग्रेस का अध्यक्ष बने उसका हश्र कम से कम सीताराम केसरी और पीवी नरसिम्हा राव की तरह ना हो। शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।